हाई गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। टॉपिक है कि किस तरीके से आज की डेट में डेटा साइंस ट्रेनिंग कंपनीज स्टूडेंट्स को स्कैम कर रही हैं। ठीक है, आई नो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं विदाउट रीज़न यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको शुरू से बताता हूँ ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, मोटिवेशन क्या है। रिसेंटली मेरा चैनल थोड़ा ग्रो किया है पिछले 6 महीनों में। अभी हम लोग 30,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट करेंगे। तो हुआ क्या है कि चैनल के ग्रो करने के साथ साथ बहुत सारे लोग अब मुझे कांटेक्ट करने लगे हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन पे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मेल पे मुझे बहुत लोग मेल कर रहे हैं। तो एक कॉमन पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि लोग इस तरीके से कुछ बात मुझसे बात करते हैं। दे से कि सर, ऑल दो हमने किसी एक्स वाई जेड कंपनी में एक पेड कोर्स में एनरोल कर रखा है, बट मैं वीडियोज़ आपके देखता हूँ। तो मुझे बहुत वियर्ड लगा पहले शुरू में ये सुन करके कि यार, अगर आपने कहीं पे पैसे दे रखे हैं तो आप वहाँ से कोर्स क्यों नहीं, आप वहाँ से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पे एक पैटर्न निकल के आया, वो पैटर्न मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। थोड़ा सा कंसर्निंग है ये, क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो गया है कि बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज वो मेरा काम नहीं है, बट मेरा काम ये है कि एज अ टीचर मैं आपको काइंड ऑफ पहले से अवेयर करा दूँ कि क्या परेशानियाँ हो सकती हैं अगर आप एक पेड कोर्स करने जा रहे हो आज की डेट में मार्केट में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि मुझे किसी कंपनी का पेड कोर्स करना है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा और मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि अपना पैसा सामने वाली कंपनी को देने के पहले एक बार मेक श्योर कर लेना कि ये 4-5 चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि अगर ये 4-5 चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो फिर कुछ गड़बड़ होने का चांस है। बिकॉज जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मेरे रिसर्च से यही निकल करके आया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगा। सबसे पहला ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है अबाउट प्लेसमेंट्स। सो डेटा साइंस एक नया फील्ड है और हर कोई उसमें एंटर करना चाहता है, और ये कंपनीज को भी पता है। उनको पता है कि आप कितने डेस्परेट हो, और वो लोग इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इसीलिए आजकल आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट हर कंपनी अपने कोर्स के साथ एक प्लेसमेंट वर्ड ज़रूर ऐड कर देती है। मतलब प्लेसमेंट असिस्टेंस बोल दो, जॉब गारंटीड बोल दो, कुछ भी इस तरह का एक एडजेक्टिव लगा रहेगा कोर्सेज के साथ, सो दैट आपको इजीली वो लोग कन्विंस कर पाएं कि आप वो कोर्स परचेस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, प्लेसमेंट अश्योरेंस वर्सेस प्लेसमेंट असिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज थोड़ा वर्ड प्ले कर देती हैं। ठीक है, थोड़ा वर्ड्स को घुमा के बोल देती हैं जिससे मीनिंग चेंज हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज जॉब असिस्टेंस वर्ड यूज़ करती है या प्लेसमेंट असिस्टेंस वर्ड यूज़ करती है। अब लोगों को लगता है कि प्लेसमेंट असिस्टेंस का मतलब है कि वो लोग इस कोर्स के बाद हमें जॉब्स दिलाएंगे या इंटरव्यूज़ दिलाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो कंपनीज़ आपको रेज्यूमे प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगी, एक दो इंडस्ट्री मेंटर्स के साथ कनेक्ट करा देंगी, थोड़ा सा आपका प्रोफाइल रिव्यू कर देंगी, और इसको ही वो लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस बोल देते हैं। और आप अगर बाद में शिकायत करने जाओ तो वो लोग बोल देंगे कि हमने तो भाई प्लेसमेंट असिस्टेंस बोला था, प्लेसमेंट अश्योरेंस या जॉब गारंटीड तो नहीं बोला था। तो फिर बच्चे वहाँ पे फंस के रह जाते हैं कि यार, मतलब ये तो वर्ड प्ले हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको इस चीज़ से क्लियर रहना है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड दे आर यूजिंग। प्लेसमेंट असिस्टेंस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो आपको पक्का गारंटीड जॉब दिलाएंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। दिस इज़ पॉइंट नंबर वन। सेकेंड है अबाउट प्लेसमेंट गारंटीड या जॉब गारंटीड प्रोग्राम्स जो मार्केट में चलते हैं। इनके इर्द गिर्द भी मेरे को बहुत डिससैटिस्फैक्शन दिखाई दिया है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब गारंटीड और प्लेसमेंट गारंटीड प्रोग्राम्स चला रही हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एज अ कैंडिडेट जब आप सुन रहे होते हो कि यार जॉब गारंटीड प्रोग्राम है, तो आपको मन करता है कि मैं ले लूँ उस प्रोग्राम में, एनरोल कर लूँ, पैसे दे दूँ। बट वहाँ पे एक कैच क्या है, अब एग्जैक्टली ये कैच है नहीं वैसे, बट आपको केयरफुल रहना है कि जनरली जो कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है कि हम जॉब गारंटी दे रहे हैं, वो एक क्लॉज के बेसिस पे होता है। क्लॉज क्या रहता है कि आपको हमारे दिए हुए प्रॉब्लम सेट्स या फिर असाइनमेंट्स में एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो।
अब बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स में एनरोल किया था, तो उनका कहना था कि जो असाइनमेंट्स होते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं बनाने के लिए, वो इतने डिफिकल्ट होते हैं कि वो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं कर पाते। सो लेट्स से अगर 500 बच्चों ने एनरोल किया उस प्रोग्राम में, तो हार्डली 150 लोग ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर पा रहे हैं, बाकी सब के सब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं कर पाते। एंड दैट इज़ वाई वो फिर प्लेसमेंट के लिए काइंड ऑफ क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एनरोल करने के पहले एक बार जो भी सामने की टीम है उनसे एक बार क्लियर कट पूछ लेना है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सिट फॉर दिस जॉब गारंटीड प्रोग्राम। कितना मुझे स्कोर करना है, क्या आप असाइनमेंट मुझे शेयर करके दे सकते हो कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ये आपको पता कर लेना है। उसके बाद ही आप इन जॉब गारंटीड प्रोग्राम्स में बैठो। एक और जो नई चीज़ अभी मार्केट में आई है वो है पे आफ्टर प्लेसमेंट। सो पे आफ्टर प्लेसमेंट आई गेस आपको पता ही होगा, एक इस तरह का प्रोग्राम है जहाँ पर आपको तब तक पैसे नहीं देने ट्रेनिंग के जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। और ऑनेस्टली इफ़ यू आर अ फ्रेशर या फिर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब लेने में, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन लगता है कि यार ये तो बहुत सही है, हम फ्री में ट्रेनिंग कर रहे हैं और जॉब भी सामने वाला लगाएगा और उसके बाद फिर हम पैसे देंगे। तो पैसे देना तो इजी है, इफ़ आई एम अर्निंग तो मैं पे कर ही दूंगा। तो ये है तो अच्छी चीज़, और ये वेस्ट से आई है, इंडिया में अभी रिसेंटली कुछ 3-4 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है ये सिस्टम और अब थोड़ा कॉमन हुआ है। लेकिन इसमें फ्लॉ क्या है, पहला बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि ये जो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली कंपनीज है ना, ये बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करती है। मतलब मैंने सुना है जितना अपवर्ड्स ऑफ 2-3 लाख्स, कभी कभी वो 4 लाख 5 लाख तक भी जाता है कुछ कंपनीज के लिए, मैंने जितना रिसर्च किया है, बट 2 लाख प्लस होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर आपको नॉलेज हो गया है तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपको अगर नॉलेज हो गया है, आप 10 इंटरव्यू में बैठोगे तो एक जगह पे तो आप निकाल ही लोगे। एक बार निकालने के बाद 2 लाख रुपये पे करना ना थोड़ा सा मतलब बहुत ही हैवी लगता है। मतलब ईएमआई के फॉर्म में कटता है, 10% सैलरी का कट रहा है या जो भी उनका ब्रैकेट है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने जितना कुछ कंपनीज का फीडबैक सुना है, अगेन मैं नाम नहीं ले सकता, वो लोग क्या कर रही हैं कि वो लोग एक्चुअली प्लेसमेंट असिस्टेंस दे भी नहीं रही हैं। वॉट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट वेटिंग, आपको कुछ रेफरल लिंक्स वगैरह फॉरवर्ड कर देते हैं जिसमें अगर आपका हो गया तो हो गया, और अगर हो गया तो वो आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लेसमेंट कराने में कंपनी बहुत ज़्यादा इनपुट लगाती नहीं है, बट अगर किसी कैंडिडेट का हो गया तो फिर उससे 2-3 लाख रुपए वो लोग वसूल लेते हैं। और मैंने बहुत लोगों का यूट्यूब पे इस तरह का रिव्यू देखा है बहुत कंपनीज को लेकर के, जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि यार पढ़ाई मैंने की, प्लेसमेंट के लिए मैंने फाइट मारी, अब प्लेसमेंट हो गया तो मैं 10% 15% इस कंपनी को दे रहा हूँ बिकॉज मैंने एक इनकम शेयरिंग अग्रीमेंट शेयर का साइन कर रखा है। तो प्लीज़ एक बार केयरफुली सोचना कि अगर आपको सच में लगता है कि मुझसे क्रैक नहीं हो पाएगा और सामने वाली कंपनी का रिव्यू बहुत अच्छा है, तो ही आप इस तरह के पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना। अदरवाइज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है कि आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल तक अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस कंपनी को देना पड़े। ठीक है, तो ये तीसरा एक प्रॉब्लम अभी चल रहा है। फोर्थ, एक और चीज़ मुझे सुनने में मिली है जो मुझे अजीब सी लगी, कि कंपनीज आजकल ये ऑफर कर रही हैं कि अगर आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड में हम आपको एक इंटर्नशिप देंगे जहाँ पे आप हमारे अंडर में काम करोगे। तो ज़्यादातर लोगों से जब मैंने बात की तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेड होते हैं, मतलब आपको उस इंटर्नशिप का कुछ पैसा मिलेगा नहीं। ये बस एक जरिया है, एक तरीका है सर्टिफिकेट अर्न करने का कि मेरे पास एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है। अब यार देखो, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ, रिक्रूटर्स उनके पास दिमाग होता है, ठीक है, उनको पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, और इस तरह के इंटर्नशिप्स उनको भी पता है कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा आपके नॉलेज में। असली इंटर्नशिप तब हुआ जब आप किसी एक्चुअल कंपनी में जा करके एज एन इंटर्न उनके रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में टाइम स्पेंड कर रहे हो। वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो ना, वो आप किसी ट्रेनिंग कंपनी का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने में नहीं गेन कर सकते।
प्लस इट इज़ अनपेड, मतलब बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर टाइम. वो प्रोजेक्ट आप खुद भी साइट से बना सकते हो, जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट आप एक महीना दो महीना स्पेंड कर रहे हो, और उससे भी ज़्यादा आप 10-50 हज़ार का ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका खरीद रहे हो. मेरे को लॉजिकल नहीं लगता. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली स्कैम करना नहीं हुआ, बट मेरे को लगता है कि गलत एक्सपेक्टेशन सेट करना हुआ. बी क्लियर अबाउट दिस. मेरे को लगता है इस तरह के इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है. अगेन दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप डिसअग्री कर सकते हो, बट जो भी है आपका अपना ओपिनियन, उसको क्लियर करके एक बार इवैल्यूएट करना अगर इस तरह का ऑफरिंग सामने वाली कंपनी आपको कर रही है. एक और चीज़ जो मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ कंपनीज का जो ट्रेनिंग फी है वो बहुत हाई रहता है, लाइक 1 लाख प्लस रहता है फॉर अ प्रोग्राम ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, विच इज़ एक्चुअली एब्सर्ड. वियर्ड है यार, मतलब आप कितना अच्छा पढ़ा रहे होगे कि आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो. मतलब मैं सोच ही नहीं पाता. यूट्यूब पे इतना सारा फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें से बहुत सारा कंटेंट बहुत क्वालिटी वाला है जो कि फ्री में अवेलेबल है. तो आप मतलब कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, कितना बढ़िया मेंटोर सपोर्ट दे रहे हो कि यू आर चार्जिंग 1 लाख प्लस. तो मैं तो सामने से स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि अगर कोई कंपनी 6 महीने के प्रोग्राम के लिए 1 लाख से ज़्यादा चार्ज कर रही है, फॉर मी इट इज़ अ रेड फ्लैग. मतलब मेरे को फिर लगेगा कि ये कंपनी पैसा बनाने के लिए मार्केट में है, बिकॉज इवन इफ वो आपको 1-on-1 मेंटोरशिप दे रहे हैं, तो भी मुझे लगता है कि 6 महीने के प्रोग्राम के लिए 1 लाख रुपये तो नहीं होने चाहिए. ठीक है, अब अगेन दिस इज़ माई ओपिनियन, यू कैन डिसअग्री विद दैट, बट मुझे लगता है कि 6 महीने का प्रोग्राम अगर कोई है डेटा साइंस का, इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 50,000. 50,000 उस प्रोग्राम का होना चाहिए जहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल रहा है, लोग आपको एकदम हैंड होल्डिंग कराने के लिए खड़े हैं. उस तरह के प्रोग्राम का 50,000 होना चाहिए. अब उससे ज़्यादा अगर है तो मेरे हिसाब से यार आप पैसे अपने वेस्ट कर रहे हो. उससे कम पैसों में भी आप एक डिसेंट प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और शायद उतना ही सीख सकते हो और उसी तरह का जॉब ले सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बाय द वे जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमटेक प्रोग्राम्स या फिर हायर एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे आप किसी यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए एनरोल करते हो एमटेक की डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए, वो अलग बात है. मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात कर रहा हूँ. शॉर्ट टर्म कोर्सेज का फी अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा है, फॉर मी दैट इज़ अ रेड फ्लैग, बी केयरफुल. अब थोड़ा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं. कुछ कंपनीज़ के बारे में मैंने सुना है कि उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा नहीं है. दे आर चार्जिंग अ लॉट, 50,000, 60,000, 1 लाख तक चार्ज कर रहे हैं, बट द क्वालिटी ऑफ द कोर्स इज़ एक्सट्रीमली पुअर. मैंने यहाँ तक सुना है, शायद आप अग्री भी करोगे, कि कोर्स जब स्टार्ट होता है और जब थोड़े ईजी टॉपिक्स चल रहे होते हैं जैसे पाइथन वगैरह, तो शुरू के टॉपिक्स में वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर बाद में बहुत जल्दी जल्दी में कोर्स ख़त्म कर देते हैं जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कुछ कंपनीज के बारे में अच्छा नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. यू शुड डू अ प्रॉपर रिसर्च कि कहीं आप ऐसी कंपनी में तो नहीं जा रहे जहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वही ख़राब है, जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी वो लोग अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहे हैं. तो ये तो सबसे ख़राब स्टेज है. मतलब ये बात सुन के तो मुझे गुस्सा आ जाता है. मतलब ऑनेस्टली जब सामने से स्टूडेंट ने मेरे को ये बताया कि सर हमारा तो करिकुलम भी कम्प्लीट नहीं हुआ, उन्होंने 70% कोर्स करा के ही ख़त्म कर दिया और हमारे तो पूरे पैसे डूब गए, और ये सुन के मतलब मेरे को गुस्सा आया अंदर से कि यार इफ़ यू आर चार्जिंग 70,000, 80,000, भले ही आप प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे, बिकॉज सच में प्लेसमेंट कराना मुश्किल काम है, एटलीस्ट जो पढ़ाने की चीज़ है वो तो आप अच्छे से पढ़ाओगे ना, आप उसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो. तो प्लीज़ ऐसी किसी कंपनी का फीडबैक अगर आप सुनो, प्लीज़ ऐसी जगह पे अपने पैसे मत फंसाओ जहाँ पे आपको कोर्स तक अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा. एक और फीडबैक जो मुझे मिला है रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो है स्टूडेंट टीचर रेशियो. सो मैंने कुछ बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला कि उन लोगों ने जिस कंपनी में एनरोल किया है वहाँ पे एक एक बैच में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मतलब 1,000, 1,500, 2,000 टाइप लोग भी पढ़ रहे हैं. और ऑनेस्टली आई फील कि अगर किसी क्लास में 1,000 लोग, 1,500 लोग पढ़ रहे हैं तो उस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो नहीं पाएगा. टीचर कितना भी अच्छा है, आप एक साथ डाउट रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो बच्चे डाउट नहीं पूछेंगे 1,000 लोगों के सामने, तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा नीचे आ जाता है. मतलब ये दो स्पेक्ट्रम में दो एक्सट्रीम्स हो गए. एक ऐसी कंपनी जो 1 लाख चार्ज कर रही है और 50 बच्चों को पढ़ाती है, तो उनका कहने का उनका मेन सेलिंग पॉइंट ये होता है कि देखो यार हम इतना पैसा इसलिए चार्ज कर रहे हैं बिकॉज हम बहुत कम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फोकस देंगे.
इट इज़ लाइक ट्रेन का 1 AC वाला बोगी जहाँ पे बहुत पैसा चार्ज करके बहुत कम लोगों को रखा गया, वो मेरे को ठीक नहीं लगता। और दूसरे एंड पे स्पेक्ट्रम के ऐसी कंपनीज़ है जो बहुत कम पैसा चार्ज करके बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ पढ़ा देती है, तो दोनों पैसा ही कमाना चाह रही हैं। बट इधर वाले में क्या हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैम्पर हो रहा है, लोग डाउट नहीं पूछ पा रहे, तो ये हो गया जनरल बोगी ट्रेन का। तो आपको यार अपनी समझदारी दिखानी है, आपको ना 1 AC में ट्रैवल करना है ना आपको जनरल बोगी में ट्रैवल करना है, आपको अपना स्वीट स्पॉट बीच में जो है जहाँ पे पैसे भी ज़्यादा नहीं लग रहे और एक क्लास में ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, 3 AC वाला स्पॉट आपको खोजना है और उस तरह की कंपनी, उस तरह के बैचेस ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने के पहले एक बार पूछ लेना कि भाई एक बैच में कितने लोग होंगे, अगर 500 से ज़्यादा हैं तो बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनका हुआ तभी वो ये इंश्योर कर पाएंगे कि हर किसी का डाउट रिजॉल्व हो पाए ट्रेनिंग ड्यूरिंग द क्लासरूम, ठीक है। अदरवाइज एक ही ऑप्शन बचता है कि आप क्लास के बाद में जा करके अपने डाउट्स पूछो, तो यार वो मतलब मुझे उतना सही नहीं लगता। तो ये भी एक चीज़ मेरी नज़र में आई है। एक लास्ट और इशू जो मेरी नज़र में आया है लोगों से बात करके, वो है कि कंपनीज़ का रिफंड पॉलिसी बहुत ख़राब है। मैंने कई कंपनीज़ के बारे में नेगेटिव फीडबैक सुना है कि आपने वहाँ पे एनरोल कर लिया और आपने कुछ क्लासेस की और आपने रियलाइज़ किया कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो वो कंपनी फिर पैसे रिफंड नहीं कर रही है। वो लोग कुछ अपना रिफंड पॉलिसी दिखा दे रहे हैं कि आपको बस इतने पीरियड में ही बोलना चाहिए था, अब तो वो पीरियड क्रॉस हो गया तो अब हम आपका रिफंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी लोग अपना पैसा फंसा के बैठ गए और फिर बेचारे यूट्यूब पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी अल्ट्रा केयरफुल रिलेटेड टू दीज रिफंड पॉलिसीज। जब आप पेमेंट करते हो किसी कोर्स में तो वहाँ पे नाउ के ऊपर रिफंड पॉलिसी होता है, मतलब ये एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट का नॉर्म है कि पेमेंट गेटवे अगर आपकी कंपनी लेना चाहती है तो उनको रिफंड पॉलिसी लगानी पड़ती है। तो प्लीज़ एक बार रिफंड पॉलिसी पढ़ लिया करना कि कितने दिनों तक आप पैसे रिफंड करवा सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो फिर आपके पैसे फंस सकते हैं। तो यार ये कुछ तरीके हैं जिनको यूज़ करके कंपनीज आपको बेवकूफ़ बना रही हैं और आपके पैसे लूट रही हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने जब ये सब कुछ सुना तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ऐसा हो क्यों रहा है, इतने ज़्यादा लोग डिसअपॉइंटेड क्यों हैं। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि एजुकेशन डोमेन में जो एंट्री बैरियर होता है किसी कंपनी के लिए वो बहुत लो है, मतलब आज के डेट में अगर किसी को भी थोड़ा भी आता है तो वो अपनी क्लासेस चालू कर सकता है ऑनलाइन, मतलब कुछ पैसा सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर अगर आपको बहुत बढ़िया आप इंजीनियर हो जो गाड़ी बना सकता है तो उसके लिए उसको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इतना कम एंट्री बैरियर होने की वजह से क्या हो गया ना कि बहुत सारे बिजनेसेस घुस गए। सबने सुन लिया है कि यार डेटा साइंस इज़ अ बूमिंग फील्ड और लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर लोग घुस गए और लोगों ने अपना कंपनी खोल लिया है और लोग मतलब पैसों के पीछे अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो जनरली ये जो बिजनेसेस हैं ये विजन ड्रिवन नहीं है, ये मनी ड्रिवन है, और फिर आप इनके मार्केटिंग गिमिक में फंस जा रहे हो और फिर आप पैसे दे दे रहे हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर रिसर्च करो। मैं आपको 4-5 पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए एक कंपनी में एनरोल करने के पहले। अगर आप ये 4-5 चीज़ें करोगे तो आपका पैसा फंसने का या डूबने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, डू प्रॉपर रिसर्च। यार आज के डेट में इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे लोग हैं कि अगर आप खोजने जाओगे ना तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी में एनरोल करने जा रहे हो तो पहले तो उस कंपनी का पूरा बैकग्राउंड आप सर्च कर लो, इफ़ पॉसिबल उनका करिकुलम पूरा देखो, उनके फीडबैक्स निकालने की कोशिश करो। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि आप लिंक्डइन पे जाओ, उन लोगों को खोजो जिन लोगों ने इस कंपनी के पुराने बैचेस में एनरोल कर रखा है, उनको पिंग करो, उनसे पूछो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और फिर एकदम सही से समझने की कोशिश करो कि ये कंपनी सही ट्रेनिंग कराती है या नहीं कराती है। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते अपना पैसा मत डालो, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, पैसे बचाओ। पॉइंट नंबर 2 है कि अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही पैसे लगाओ, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट असिस्टेंस अगर प्रोग्राम है
तो सामने वाली कंपनी किस तरीके से प्लेसमेंट असिस्टेंस देगी उसके बारे में सब कुछ आप पता करो। अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पहले से डिस्कस कर लो। उनका रिफंड पॉलिसी अच्छे से रीड आउट करो कि कितने दिनों तक आप पैसे रिफंड मांग सकते हो। तो इस तरह के जो भी बेसिक क्वेश्चंस है ना उनका एक आप लिस्ट बना लो और वो सारे क्वेश्चंस सामने से पूछो। जब तक आपको सबका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल जाता तब तक आप उस कोर्स में एनरोल मत करो। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी के ट्रेनिंग में एनरोल कर रहे हो तो एनरोलमेंट के पहले सामने से आप डिमांड करो कि हमें कुछ डेमो क्लासेस करनी है एंड प्रेफरेबली मुझे वो लाइव क्लासेस चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक बार अगर आपने लाइव क्लास कर लिया ना तो आपको काफ़ी फील आ जाएगा कि ट्रेनिंग कैसा रहेगा, ठीक है? वहाँ पे लाइव क्लास में कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप एक बार देखो, डाउट्स वगैरह पूछने की कोशिश करो, देखो वो लोग डाउट किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो डाउट क्लास सॉरी डेमो क्लास करने से ये हो जाएगा ना कि आपको एक आइडिया लग जाएगा पूरे प्रोसेस का। और लास्ट है कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है ना, मतलब 50,000 से ज़्यादा फॉर अ कोर्स ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन, मेरे लिए तो इट्स अ नो नो। मतलब आई वुड नॉट इन्वेस्ट 50,000 1 लाख रुपीज़ फॉर अ कोर्स ऑफ डेटा साइंस ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन। मेरे को लगता है कि दैट्स एन ओवरकिल। हर कमोडिटी का एक प्राइस होता है। मतलब आप एक फ़ोन नहीं खरीदोगे 10 लाख का, क्योंकि कितना भी अच्छा फ़ोन है मतलब 1 लाख रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 6 मंथ्स का अगर कोर्स है तो कितना ही अच्छा पढ़ाएगा कि वो आपसे 2 लाख रुपये चार्ज कर रहा है। तो प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है ना तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज हैं मार्केट में, आप उनको ट्राई आउट करो। उतना मोटा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली आपकी साइड से अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि और बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो कमेंट सेक्शन भी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं यूट्यूब वीडियोस में, तो कमेंट से भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सो अगर आप लोगों में से किसी ने पास्ट में इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे यू वर डिससैटिस्फाइड पैसे लगाने के बाद, तो प्लीज़ अपना स्टोरी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मेंशन कर दो कंपनी का नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले को पता ही चल जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। मोर देन एनीथिंग यार, आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड, और ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में और कोई इस तरीके से परेशान ना हो। बिकॉज़ पैसे यार बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, आपको भी पता होगी ये बात, तो उसको इस तरीके से डुबाने पे ना बहुत दुख होता है। तो जब मैंने लोगों से सुना ये सारा फीडबैक, मेरे को अंदर तक गुस्सा आया। देर वॉज अ फीलिंग ऑफ रेज जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा इस पॉइंट पे, बट मुझे यही लगा कि एटलीस्ट जिनके डूब गए वो तो डूब गए पैसे, फ्यूचर में और लोगों के साथ ऐसा ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कमेंट सेक्शन में जाओ लिखो। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो वो बच पाएगा, ठीक है? सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।